नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से विंटेज के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आ चुका है। 18% ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप नीचे जा चुका है। 1.60 ट्रिलियन के ऊपर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप आ चुका है। $27,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे $1,854 के ऊपर इथेरियम ट्रेड हो रहा है। उसी के साथ बहुत बड़ा जो है वो एक क्रेश देखने को मिला लूना के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लूना क्वाइन है वो यहाँ पे जो है वो 10, 20 और यहाँ पे जो है वो अब 68 नंबर के ऊपर क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे करंट जो प्राइस है वो यहाँ पे 0.3121 के ऊपर आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ इसके कुछ अपडेट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, और इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या टेरा लूना रिकवरी करेगा। उसी के साथ शिबा इनु क्वाइन के कुछ अपडेट्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है सेकंड वीडियो बनाने के लिए। टेरा लूना की प्राइस जो है वो काफी जो हो ग्रोथ के ऊपर थी, लेकिन आज जो है वो हालात कुछ यहाँ पे क्रिटिकल बनते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो स्टेबल क्वाइन जो था इनका USDT, उसके भी हालात कुछ यहाँ पे जो है वो बुरे बन चुके हैं। अगर हम यहाँ पे जो है वो USDT की प्राइस को चेकआउट करेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी तो रिकवरी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर रिकवरी आई है, क्योंकि प्राइस जो है वो 0.4 के ऊपर और 2 के ऊपर भी ट्रेड हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ जो है वो इन्होंने पैसे लगाए हैं इस टोकन को स्टेबल करने के लिए। अब ये पैसे कहाँ से निकल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेरा लूना का जो है वो क्वाइन है उसके अगर आप होल्डर्स को चेकआउट करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर होल्डर्स वाला जो सेक्शन है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो टॉप 10 जो होल्डर्स है उसके पास 80.43% सप्लाई है। टॉप 20 होल्डर्स के बाद 89.82% सप्लाई है, और इसी तरीके से जो टॉप 100 होल्डर्स है उनके पास 97.96% की सप्लाई है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो उसके अंदर मैंने जो है वो यही चीज आपके सामने शेयर की थी। उसके अंदर टॉप 10 होल्डर्स के पास 95% जो है वो सप्लाई थी और टॉप 20 होल्डर्स के पास 97.22% सप्लाई थी। अब यहां से जो है वो टेरा लूना की सेलिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पे डेवलपर्स ने और वेल्स ने जो है वो इस टोकन को सेल करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे 10% जो है वो टोकन सेल कर दिए गए थे टॉप 100 होल्डर्स में से। उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है और प्राइस जो है वो 0.3576 के ऊपर ट्रेड कर रही है। उसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या टेरा लूना रिकवरी करेगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज के साथ हम ये कह सकते हैं कि भैया इसकी डेवलपर टीम ने यहाँ पे एक उम्मीद दी है, और यहाँ पे डुकावेन ने भी यहाँ पे जो है वो एक ट्वीट किया था जिसके अंदर बताया गया था टेरा रिटर्न टू फॉर्म विल बी साइड टू बी होल्ड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्ड करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे जो है वो एक क्रेश देखने को मिला, और इसी तरीके से जो है वो पूरी मार्केट के अंदर एक क्रेश देखने को मिला, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक एक उम्मीद है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम यहीं पे है और हम जो है वो भागे नहीं है, क्योंकि एक आपको स्कैम टोकन की कहानी पता होगी कि भैया कोई भी टोकन अगर भागता है तो वो अपने ट्विटर अकाउंट्स और जो तमाम चीज़ें हैं उसको ब्लैकआउट करके और यहाँ से जो है वो पैसा निकाल के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है वो अपना पूरा बिटकॉइन का वॉलेट्स भी इन्होंने खाली कर दिया और यहाँ पे स्टेबल कॉइन को बचाने की इन्होंने पूरी कोशिश की, और यहाँ पे जो है वो इनके साथ जो सीन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा हुआ है। लेकिन जो है वो इनकी एक उम्मीद है, इन्होंने अपने बिटकॉइन की जो है वो एक बहुत बड़ी क्वान्टिटी थी उसको भी $1.5 बिलियन के अंदर सेल कर दिया था USDT की प्राइस को स्टेबल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी भैया टेरा लूना के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ पे Web3 का भी प्रोजेक्ट है। सो इसके ऊपर जो है वो रिकवरी तो आएगी, लेकिन इसके अंदर टाइम लगेगा बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे में आपने अगर बहुत बड़ी प्राइस के अंदर इसको परचेज भी किया है तो मैं आप तमाम दोस्तों को यही कहूँगा कि भैया इस टोकन को होल्ड करके रखो, क्योंकि अब इस सिचुएशन के अंदर सेल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। और ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट के हाल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CZ बाइनेंस की तरफ से भी एक ट्वीट आया है और यहाँ पे बताया गया, इफ़ यू थिंक क्रिप्टो इज वोलेटाइल लुक एट द स्टॉक, 84% और 72% स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्रेश देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो है वो स्टॉक्स है वो यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सो भैया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो इस चीज़ का असर पड़ता ही है, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो ये टाइम है होल्डिंग का। और अगर हम बात करें शिबा इनु क्वाइन के बारे में तो यहाँ पे
हिरोशी कुसामा ने भी यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका नाम है द सेमी कॉलन टाटू, और जिसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, जिसके अंदर कहा गया है कि हम जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो कोलोब्रेशंस हो रही है, पार्टनरशिप्स हो रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर अब भी जो सिचुएशन है वो आज से पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। और यहाँ पे जो है वो लूना के साथ जो हुआ और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस तरीके से जो है वो एक फेथ खत्म हो चुका है लोगों का, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे शिबा इनकॉइन की प्राइस डाउन जा रही है। लेकिन इस चीज़ का जो है वो कत्ते भी शिबा के ऊपर इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो है वो टीम अभी तक भी जो है वो अपने एक स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है और हम इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि शिबा इनकॉइन एक बेस्ट प्रोजेक्ट है और हम इसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, अपना खुद का शी स्टेबल कॉइन और यहाँ पे जो है वो फ्यूचर में शिबा ब्लॉकचेन को लेके हम यहाँ पे आप तमाम दोस्तों के सामने पेश करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी जो है वो वर्कआउट लाजमी चल रही है और इस चीज़ से हम ये जो है वो एक उम्मीद दिलाते हैं कि शिबा इनकॉइन को एक बार फिर से हम ग्रोथ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एनीवेज थैंक्स लिस्टिंग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। सो भैया ये तमाम चीज़ें जो है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन शिबा इनकॉइन डेफिनेटली रिटर्न करेगा और यहाँ पे लूना के अंदर थोड़े बहुत जो है वो अभी फंड फैलाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और मैं आप तमाम दोस्तों को यही कहूँगा, अगर आप लॉस में भी है तो भैया अपने जो है वो पैशन को बरकरार रखिए और इस टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। डेफिनेटली लूना कॉइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी डेवलपर टीम ने जिस चीज़ से जो है वो ठोकरें खाई है उनसे ज़रूर ये सीखेंगे और एक दिन आ जाएगा जब ये लूना भी आपको रिकवरी करता हुआ नज़र आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मिफ्टीज की तमाम अपडेट काफ़ी तक पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ शिबा इनकॉइन के बारे में या फिर लूना कॉइन के बारे में अपकमिंग हर एक चीज़ से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।